पंथक अकाली लहर वालों लापता हुए 267 पावन सरूपा के मामले से बनाई नवी जांच टीम रद्द। महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी 3 महीने का वाधा, नजरबंदी 5 अगस्त को होनी थी समाप्त। तरुण चुग वालों जहरीली शराब को लेकर पंजाब सरकार से कई तिखे निशाने, दोषी खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दैनिक सवेरा देख रहे देश विदेश दे दर्शकों का स्वागत। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं हां रचना। पंजाब मनुखी अधिकार संगठन तो बाद हुण पंथक अकाली लहर ने भी लापता 267 पावन सरूपा की जांच करन दे मामले विच बनाई नवी जांच टीम नू रद्द कर दिता है। पंथक अकाली लहर के मुखी अते श्री अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह ने इस मामले विच बेअदबी की धारा अधीन केस दर्ज करन अते दोषियों नू गिरफ्तार करन दी मंग की है। उन्हें कहा कि हाईकोर्ट की साबका जज नविता सिंह वालों इस मामले तो पिछे हटन तो लगता है कि उन्होंने दबाव पाया जा रहा है। इस नाल ही उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील ईश्वर सिंह की नियुक्ति से भी सवाल चुके ने। उन्होंने दोष लगाया कि यह नियुक्ति बादल परिवार को बचाने और मामले को रफा दफा करने लिए की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन वालों जम्मू कश्मीर की साबका मुख्यमंत्री अते पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रधान महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी 3 महीने लिए होर वधा दिती है। सूत्रों अनुसार यह वाधा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तहत किया गया। पिछले साल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करन तो कुछ घंटे पहला महबूबा समेत सैकड़े आगुआ नू हिरासत विच लै लिया सी। तकरीबन 1 साल तो नज़रबंद महबूबा मुफ्ती की हिरासत च वाधा जिला मजिस्ट्रेट वालों जारी निर्देश के मद्देनजर किया गया। दस दईए कि महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी 5 अगस्त को समाप्त हो रही थी। बीजेपी के सीनियर नेता तरुण चुग वालों जहरीली शराब को लेकर पंजाब सरकार से कई तिखे निशाने साधे गए। तरुण चुग ने कहा कि कैप्टन सरकार वालों चोणों तो पहला वादा किया गया सी कि पंजाब नू नशा मुक्त किया जाएगा, पर उन्हां वालों अपना वायदा अजे तक पूरा नहीं किया गया। इस नाल ही उन्हां सरकार कोलों जहरीली शराब मामले च दोषी खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग की है। पंजाब के अंदर लगभग 45 जाना नशीली शराब नाल जा चुकी है। मुख्यमंत्री मंत्रियों की पहुंच कित्थे सी, कित्थे सी प्रशासन? केवल एक SHO नूं सस्पेंड किया जा रहा है। पंजाब की लॉ एंड आर्डर की स्थिति अज शून्य ते पहुंच चुकी, बेलगाम कानून व्यवस्था। नशा आम बिक रहा है, जिस तरह दुध घ्यो गलियां च बिकता उस तरह नशा बिक रहा है। और एक 3 पिंडां दी स्टोरी नहीं, अमृतसर तरन तरन बटाला दी स्टोरी नहीं, पंजाब दे हर पिंड च नजायज शराब बिक रही है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार उन्हें रोकन च सफल हुई। अज एक और दरिया पंजाब च शराब का दरिया, नशे का दरिया। कैप्टन साहब याद करो, तुसीं सौ चुकी सी कि पंजाब च नशे नूं तुसीं खत्म करोगे। लेकिन हैरानगी दी गल है कि अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं 42 महीने बीत चुके, नशा नहीं खत्म होया, उल्टा कई गुना वध गया। पंजाब दे नौजवानों नूं नौकरियां नहीं दित्तियां, पंजाब दे नौजवानों नूं मोबाइल नहीं दित्ते, किसानों नूं कर्जा माफ नहीं किया, पेंशन नूं पेंशन नहीं दित्ती, दित्ता कुछ नहीं। लेकिन अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार च मौत वंडी जा रही है। 45 तो ज़्यादा पंजाब दे बेटे बेटियां शमशान च लेट गए, शमशान च जगह नहीं उन्होंने जलाने वास्ते। ऐसी निकम्मी पंजाब की सरकार, मेरी बेनती है गवर्नर साहब अगे। पंजाब MLA होस्टल दे विच अचानक गोली चलन नाल मुलाजम सिमरनजीत सिंह दी मौत हो गई। दस दईए कि सिमरनजीत सिंह अपनी गड्डी दे विच बैठा होया सी, जिथे अचानक गोली चल गई ते गोली लगन तो बाद उन्हां नू PGI ले जाया गया, जिथे उन्हां ने दम तोड़ दिता। इस मौके दसें योग है कि सिमरनजीत सिंह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच तैनात सी। चंडीगढ़ तो जिथे पंजाब MLA होस्टल दे विच अचानक गोली लगन दे कारण पुलिस मुलाजम सिमरनजीत सिंह दी मौत हो गई। दस दईए कि सिमरनजीत सिंह सवेर दे समय अपनी गड्डी दे विच बैठा होया सी, जिथे अचानक गोली चल गई। गोली लगन तो बाद उसनू PGI ले जाया गया, जिथे कि उसने दम तोड़ दिता। दसन योग है कि सिमरनजीत सिंह पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच तैनात सी, जिसकी कि अज सवेर दे समय गोली लगन दे कारण मौत हो गई। फिलहाल पुलिस दे वलों हर पहलू तो इसकी जांच की जा रही है। चंडीगढ़ तो दैनिक सवेरा दे लई अंकुश महाजन की रिपोर्ट। अज तो एक सदी पहला 1 अगस्त 1920 नूं आजादी संघर्ष के महत्वपूर्ण अंदोलन ने जन्म लिया, जिसका नाम सी ना मिलवर्तन अंदोलन।
जे इस नूं असहयोग अंदोलन वजों भी जाणिया जांदा है। इस अंदोलन के बानी महात्मा गांधी ने इस अंदोलन राही अंग्रेजा के समान का बाइकाट करके स्वदेशी अपनाने का सद्दा दिता सी। जे इस तहत घर घर चरखे कूकन लगे, पिंडां च खड्डियां चलियां ते घरां च कपड़ा तैयार होण लगा, जे इस दा सीधा असर अंग्रेजा दियां कपड़ा मिलां ते पिया ते इसे तरह होर समान भी घरां च तैयार होण लगा ते लोक आत्मनिर्भर होण लगे। ना मिलवर्तन अंदोलन जिसनू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, इस दी शुरुआत अज तो 100 साल पहला 1 अगस्त 1920 नू मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वल्लों कीती गई। इस अंदोलन नू शुरू करन दा कारण सी जलियांवाला बाग दा खूनी कांड, जिसने पूरे भारत नू क्रांति दी लहर विच आउण दा सद्दा दे दिता। उस समय मुसलमाना वल्लों खिलाफत अंदोलन चलाया जा रहा सी। महात्मा गांधी ने बाकी भाईचारियां नू भी इकट्ठा कीता अते इक संयुक्त अंदोलन दी शुरुआत कीती, जिस दा नाम रखिया असहयोग अंदोलन यानी कि ना मिलवर्तन अंदोलन। ते सन हुण तक दीआं खबरां, मैनूं रचना नूं दिओ इजाजत होर ताज़ा जानकारी लई देखदे रहो दैनिक सवेरा टीवी।